हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को रोज सवेरे कविता पढ़ाऊंगा। रोज सवेरे कविता यह चिड़ियों के बारे में लिखी हुई कविता है, जिसमें चिड़िया हमें कुछ संदेश देती हैं। कविता इस प्रकार से है, रोज सवेरे चिड़िया आती, ची ची की आवाज लगाती। चिड़िया सुबह में प्रतिदिन आती हैं बच्चों और चींची की आवाज लगाती हैं। देखो सूरज निकल गया है, देखो सूरज निकल गया है, धूप द्वार पर तुम्हें बुलाती। आओ चलो दूर तक टहले, खुली हवा में पल भर रहले। खुली हवा स्वास्थ्य के लिए काफ़ी आवश्यक है, ये लाभप्रद होती है, हमारे शरीर में चुस्ती और स्फूर्ति का एहसास दिलाती है। तो चिड़िया संदेश देती है कि आओ चलो दूर तक टहलें, खुली हवा में पल भर रह लें, किरणों से कुछ उनका सुन लें, फूलों से कुछ अपना कह लें। सूरज की किरणों से कुछ उनकी बातों को हम सुन लें, वे हमें क्या संदेश देती हैं, सूरज की नई किरणें और खिले हुए फूलों से कुछ अपने बारे में हम बातचीत कर लें। फिर आगे क्या आता है कविता में, सचमुच लगता बड़ा सुहाना सुबह नदी का शांत मुहाना। सुबह में नदी का पानी शांत रहता है और वातावरण काफी सुंदर और सुहाना लगता है। जो उठ जाता सबसे पहले उसने ही इसका सुख जाना। जो सबसे सुबह में उठते हैं बच्चों, वे सुबह के प्राकृतिक छटा का आनंद लेते हैं और उसे नई ऊर्जा स्फूर्ति का एहसास होता है। इस कविता के रचनाकार हैं मधुसूदन साहा, इन्होंने इस कविता की रचना की है। अब इस कविता में आगे कुछ शब्दार्थ को मैं बताऊंगा, जिन्हें आप लोग अपनी कॉपी में लिखोगे और याद करोगे, ठीक है। जैसे जैसे द्वार का दरवाजा होता है, टहले का अर्थ होता है घूमे, सुहाना का अर्थ होता है सुहावना, और मुहाना का अर्थ होता है किनारा, नदियों का किनारा। अब यहां कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो मैं आप लोगों को इसके पहले भेज चुका हूं, उसे आप अच्छी प्रकार से याद करोगे। और यहां कुछ कविता की पंक्तियों को पूरा करना है, जो आप लोग कविता को भली भांति याद करके इस कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। नेक्स्ट आपका आता है सही शब्दों के जोड़े मिलाना। सही शब्दों के जोड़े मिलाइए, जो कविता में आया है। जैसे चिड़िया, तो चिड़िया सभी को सुबह उठाती है। चिड़िया क्या करती है, सभी को सुबह उठाती है, मैच करोगे। खुली हवा ताजी से भरी होती है, खुली हवा ताजगी से भरी होती है। नदी का मुहाना सुबह को बहुत शांत होता है। सुबह जल्दी उठने वाला सुबह का हर सुख प्राप्त करता है।
किरणों से उनका हाल चाल जान लें, फूलों से कुछ अपनी बातें कह लें। ठीक है, ये आप लोग मैच करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका भाषा और व्याकरण से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। जो भी शब्द दिए गए हैं इनके दो दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। जैसे आपका पर्यायवाची शब्द फूल का पर्यायवाची शब्द कुसुम, सुमन, वैसे ही नदी का पर्यायवाची शब्द नद्य, सरिता, चिड़िया, का पर्यायवाची शब्द खग, पक्षी। नेक्स्ट सुबह का प्रातः, और सवेरा होता है। नेक्स्ट किरण, इसका पर्यायवाची शब्द ज्योति, रश्मि होता है। और द्वार का फाटक और दरवाजा होता है। इस प्रकार से पर्यायवाची शब्दों को आप लोग याद करोगे। नेक्स्ट आपका आता है वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। जैसे आपको यहां दिया हुआ है वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। जैसे रोज दिया हुआ है हलंग र ओ प्लस ज हलंग प्लस आ, वैसे ही सुख शब्द है दंती स हलन हर्षु प्लस ख हलन प्लस अ, सुख हो गया। द्वार शब्द है, इनके वर्णों को अलग हम करेंगे। हलंग द प्लस व प्लस आ की मात्रा लगी हुई है, प्लस र हलंग प्लस अ की मात्रा लगी हुई है। वैसे ही सुहाना है, सुहाना शब्द है
दंती सहलन प्लस खू की मात्रा लगी हुई है प्लस हलन प्लस आ की मात्रा लगी है प्लस न हलन प्लस आ की मात्रा लगी हुई है। उसी प्रकार से चिड़िया जो शब्द है उसका हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है वाक्य बनाना, इन शब्दों से कविता से अलग वाक्य बनाइए। आपको अपने से खुद से बनाना है। जैसे आवाज, तो कोयल की आवाज मधुर होती है। धूप, तो गर्मी में धूप कड़ी होती है। हवा, हवा बहती है। सुख, सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं। किरण, सुबह सूरज की किरणें तिरछी होती हैं। क्लियर? आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में इन चीजों को लिखोगे और अच्छी प्रकार से याद करोगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगले क्लास में।